पानीपत में आम आदमी पार्टी की रैली, समालुक में हो रही है ये रैली। आपको बता दें कि रैली से मनीष सिसोदिया खिताब कर रहे हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, पानीपत में आम आदमी पार्टी की रैली हो रही है, समालखा में ये रैली हो रही है और इस रैली से मनीष सिसोदिया खिताब कर रहे हैं। तो चुनावी माहौल है अभी, तमाम तर पार्टियां जो है इलेक्शन की सरगर्मियों में मसरूफ है और इसी हवाले से पानीपत में आम आदमी पार्टी के लीडर मनीष सिसोदिया खिताब कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी की सरकार बनवा दो, हरियाणा में भी करके दिखा देंगे, बिजली के बिल जीरो आएंगे, केजरीवाल जी की गारंटी। सरकारी अस्पताल दिल्ली में शानदार मोहल्ला क्लिनिक बन रहे हैं, यहाँ तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर में जाओ तो ना डॉक्टर मिले ना दवाई, वहां पे सब कुछ इतना शानदार मिलता है। दिल्ली में करके दिखा दिया, लेकिन लोगों ने कहा एक तो चलो दिल्ली में करके दिखाया, पंजाब में करके दिखाओ, पंजाब में भी करके दिखा दिया। और केजरीवाल जी की गारंटी है, इस बार चुनाव जिता के सरकार बनवाओ, हरियाणा के भी गांव गांव में मोहल्ला क्लिनिक खुलवा के दिखा देंगे, ये केजरीवाल जी की गारंटी है। आपको प्राइवेट अस्पतालों में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सरकारी अस्पतालों में शानदार इलाज मिलेगा, ये केजरीवाल जी की गारंटी है। इसलिए वोट देना है, आपके हरियाणा के लाल हैं, हरियाणा के लाल ने हरियाणा के एक छोटे से गांव से पैदा होकर दिल्ली में जाके डंका बजा दिया। दिल्ली के लोगों ने कहा हम आपको मौका देते हैं, अच्छे स्कूल बनवा दिए, अच्छे अस्पताल बनवा दिए, बिजली के बिल जीरो करा दिए, ये केजरीवाल की गारंटी आज हरियाणा में चल के आई है। जब हरियाणा के लाल ने जाके दिल्ली में कर दिया तो हरियाणा के लोग मौका देंगे तो क्यों नहीं करेंगे, गारंटी है केजरीवाल जी की। अपने काम की गारंटी से बात रखो और इन नेताओं से पूछ लेना, बाकी आएंगे भैया और जगह बता दो जहां जहां तुम्हारी सरकार है वहां क्यों नहीं किया, वो कोई गारंटी नहीं दे पाएंगे। बीजेपी ने 10 साल में नहीं किया, वो कोई गारंटी नहीं दे पाएगी। इसलिए केजरीवाल जी की गारंटी पे भरोसा रखिए। और सबसे बड़ी चीज, इतनी सारी बड़ी संख्या में महिलाएं बैठी है, केजरीवाल जी ने गारंटी दी है यहाँ पे सरकार बनेगी झाड़ू पे बटन दबा के, एक एक महिला को, हर एक महिला को हर महीने हजार हजार रुपए की गारंटी है, हर एक के खाते में आएंगे। और अभी नौकरी के लिए कहा अनुराग भाई ने, अग्निवीर योजना लागू कर दी, मतलब नौकरियां खत्म। 2 लाख नौकरियां तो हरियाणा सरकार में बची हुई है, खट्टर सरकार से लेकर सैनी साहब की सरकार, मतलब नौकरियां खत्म। यहां पे केजरीवाल जी की गारंटी काम करेगी कि आप हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनवाओ। और केजरीवाल जी का मतलब है जैसे पंजाब में नौकरियों पे नौकरियां लगे जा रही हैं, हर महीने मानसाहब हजारों हजारों नौजवानों को, लड़कों को नौकरियों के प्रमाण पत्र देते हैं, नौकरियों के सर्टिफिकेट देते हैं। आप शुरू करो यहाँ पे सरकार का काम केजरीवाल जी के नेतृत्व में, आपके यहाँ हर महीने इन 2 लाख नौकरियों में से कई कई हजार नौकरियां मिलनी शुरू हो जाएंगी, ये केजरीवाल जी की गारंटी है। बस ये 5 गारंटियां केजरीवाल जी की हैं, बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा आपके बीच में। केजरीवाल जी जेल में बैठे हैं, हरियाणा का आपका बेटा जेल में बैठा है इसलिए क्योंकि दिल्ली के लोगों को अच्छी शिक्षा दी, क्योंकि दिल्ली के लोगों को अच्छे अस्पताल दिए, क्योंकि दिल्ली के लोगों को बिजली के बिल जीरो दिए, यही काम पंजाब में किया, नौकरियां दी साथ साथ में। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को लगा कि हरियाणा के चुनाव आने वाले हैं, अगर केजरीवाल यहां आके खड़े हो गए तो हरियाणा के बेटे को हरियाणा वैसे ही वोट दे देगा, क्योंकि उनका बेटा दिल्ली में कर सकता है, पंजाब में कर सकता है, तो हरियाणा में तो करके दिखाएगा। इसलिए बीजेपी ने उनको जेल में डाला है। अनुराग भाई ने ठीक कहा अभी कि इस बार हरियाणा जवाब देगा कि हमारे बेटे को जेल में डालते हो, हम तुम्हारी जमानत जब्त करा देंगे। भारतीय जनता पार्टी वालों की जमानत जब्त करवानी है और केजरीवाल जी की सरकार बनवानी है, केजरीवाल जी के नेतृत्व में उनकी पार्टी की यहां पे सरकार बनवानी है। आप सबके बीच में यही रखने आया था, आप लोग अभी जाएंगे पूछेंगे क्या कहा, बोले जी हम तो गारंटी कार्ड लेके आए केजरीवाल जी का। किस चीज का गारंटी कार्ड? बोले सरकार बनने वाली है, चुनाव आ गए, केजरीवाल जी की पार्टी की सरकार बनने वाली है, अच्छे स्कूल, अच्छे अस्पताल, बिजली के बिल जीरो, 2 लाख नौकरियां जो यहां खाली पड़ी है वो नौकरियां, और साथ साथ हर एक महिला के खाते में 1000 रुपए महीने की गारंटी, केजरीवाल की गारंटी लेके आए हैं।